चालकों ने पुलिस को फर्जी लूट की सूचना देकर किया परेशान। ट्रक चालकों से लूट की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स में मचा हड़कंप। पुलिस ने जांच में फर्जी लूट की सूचना दिए जाने पर 3 ट्रक चालक व क्लीनर के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। ट्रक चालकों ने मालिक को पैसे न देने के लिए रचा था कुचक्र। ललौली थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के पुलिस ने फर्जी लूट को सूचना देने वाले 6 लोगों को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेज कार्यवाही की है। आपको बता दें कि ट्रक मालिकों के पैसों को हड़पने के लिए ट्रक चालकों ने फर्जी लूट व डकैती की सूचना पुलिस को दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पूरा मामला फर्जी मिलने पर 3 ट्रक चालक और 3 क्लीनर को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। पुलिस गिरफ्त में चालक और क्लीनर ने ट्रक मालिकों के पैसे को हड़पने के लिए ट्रक चालकों से फर्जी लूट डकैती की सूचना पुलिस को दी। जहां कई ट्रक चालकों से लूट डकैती की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालकों से पूछताछ शुरू की तो लूट डकैती की सूचना फर्जी निकली, जिसके बाद पुलिस ने 3 ट्रक चालकों सहित 3 क्लीनर को फर्जी लूट डकैती की सूचना देने पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इस मामले में CEO जाफरगंज संजय शर्मा ने बताया कि 3 ट्रक चालकों द्वारा 112 में सूचना दी गई कि बोलेरो सवार अज्ञात लोगों द्वारा लूट की गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो घटना फर्जी निकली और ट्रक चालकों द्वारा ट्रक मालिकों का 92,000 रुपए हड़पने के लिए यह सब फर्जी सूचना पुलिस को लिखित में दी, जिसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। दिनांक 6/12/2020 को थाना ललौली के क्षेत्र में 3 ट्रक चालकों द्वारा UP 112 पर सूचना दी गई कि उनके ट्रकों को रोककर एक बुलेरो पर सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट करी गई है, जिसमें 92,000 रुपए जाना बताया गया। उपरोक्त सूचना पर मुख्य क्षेत्राधिकारी जाफरगंज प्रभारी निरीक्षक ललौली द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में घटना असत्य पाई गई। उपरोक्त 3 ट्रक चालकों एवं उनके क्लीनरों द्वारा लिखित रूप से यह स्वीकार किया गया कि उन्होंने मालिकों से पैसा बचाने की नीयत से झूठी सूचना दी थी। उपरोक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।